मथुरा में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान किसानों की आय दुगना करने के लिए बकरी पालन के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। बकरी पालन किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है। इसमें लागत कम है लेकिन लाभ अधिक होता है। इस क्षेत्र में जमुनापारी, जखराना, बीटल और बर्बरी बकरियों की नस्लें अधिक पाली जाती हैं। आसपास के 20 जनपदों के किसान इन बकरियों को पालकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के साथ साथ एक आय का और जरिया प्रदान करना है। नदिया जिला तो बंगाल में होता है ब्लैक बंगाल, जो बिल्कुल छोटा साइज का होता है। इस छोटे साइज के लिए इसका खेती बहुत कम हो रहा है, इसका पालन कम हो रहा है। लेकिन इसका अगर हम थोड़ा सा देखभाल करते हैं तो इसका साइज हम बड़ा कर सकते हैं। जो इसका मीट होता है पूरा दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा स्वादिष्ट, तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो प्रजाति है थोड़ा सा साइज बढ़ा लूँ और अपना फार्म मैं करना चाहता हूँ। और आसपास का जितना जिले में जितना लोग है सबके साथ संपर्क करके उसके साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ और कैसे हमारा प्रजाति को डेवलप करें ये करना चाहता हूँ। और CIRG में आके हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कैसे इसका नस्ल हम डेवलप कर सके और कैसे इसका साइज बढ़ा सकते, तो ये सब ज्ञान मिला। ये जरूर हम काम में लगाएंगे और हमारा नदिया जिला को हम जरूर बकरी पालन में एक आगे ले आएंगे। हमारे यहाँ जैसे हमने कहा कि हम क्या करते हैं कि किसानों को एक अपनी यहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं और प्रशिक्षण देने के साथ साथ हम बकरियां भी देते हैं। तो जैसे कि हम हर नस्ल की देते हैं और पिछले जो मैंने देखा है 2 सालों में हमने मथुरा जिले पर विशेष ध्यान दिया है। उसका हमारा ये मानना है कि हमारे संस्थान के आसपास जितना भी गांव है उनके पास बर्बरी नस्ल की बकरी होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि बर्बरी एक अपने आप में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और हमने यहाँ पर पिछले ही 1 साल में करीब 10-12 तो हमने बकरे दिए हैं और उसके अलावा करीब जो है 60-70 हमने यहाँ पर जो है बकरियाँ दी हैं। मैं आप उनका एक बात पर जरूर ध्यान दिलाऊंगा कि हमारे द्वारा एक वृंदावन में एक हमने फार्म मल्टीप्लायर फार्म हमने विकसित किया है, उसको राशिद फार्म के नाम से भी जाना जाता है और उसमें करीब 250 से 300 बर्बरी नस्ल की ही बकरियां हैं। और अगर आप उन किसान भाई से पूछेंगे तो करीब 10 से 12 लाख रुपए की कमाई उनकी हो रही है उन बकरियों के द्वारा।